वासुदेवाय ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नरम चैव नरोत्तमम् नरम चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं
देवी सरस्वती सरस्वतीम व्यासम ततो जय मुदीरये ततो जय मुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत भगवत भगवती उत्तम श्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। अब हरे कृष्ण कृष्ण भगवती भगवती सशब्द प्रणाम। क्या कहते हैं प्राचीन परिषद को नारद, सत्वम विचक्ष मृगचे स्थितम आत्मनो अंतः चित्तम नियच्छ हृदय कर्ण धुनि चित्ते जहि अंगना आश्रमम असत्तम यूथ गातम प्रीणी हंस शरणम विरम क्रमेण। मेरे साथ, न त्वं विचक्ष मृगचेष्टितम आत्मनो अंतः श्रुतं विचक्ष मृगचेष्टितम् आत्मनोऽयंतः चित्तम नियच्छ हृदि कर्णधुनीं च चित्ते कर्णधुनिं च चित्तेः जहि अंगना आश्रमम असत्तम यूथ गातम जहिंगनायाश्रमम् अशक्तम् जूतगाथम् प्रीणी हंस शरणम विरम क्रमेण। सह वही पुरुष तुम विचक्ष विचार करके मृगचेष्टितम हिरण के कार्य आत्मनः स्वयं के अंत भीतरी चित्तम चेतना नियत स्थिर करो हृदय हृदय में कर्ण ध्वनि कर्णेन्द्रिय तथा चित्ते चेतना को जही छोड़ दो अंगना आश्रमम गृहस्थ जीवन असत्तम अत्यंत घृणित यूथ गाथम नर तथा नारी की गाथाओं से पूर्ण प्रेणी ही स्वीकार करो हंस शरणम मुक्त जीवों की शरण परम विरक्त बनो क्रमेण क्रमशः। पूरे मृग की कथा सुनाई, एक तरफ भेड़िया खड़ा है एक तरफ शिकारी, ऐसी हमारी हालत है। तो सुना करके उसको प्राचीन परिषद को खूब डराया नारद ने। मेरे साथ पढ़िए, हे राजन हे हे राजन, राजन, तुम हिरण की अन्योक्ति की स्थिति को समझने का प्रयास करो। तुम हिरण की समझने का प्रयास करो। तुम अपने प्रति पूर्ण सचेत रहो, अपने प्रति सचेत सचेत रहो और कर्म के द्वारा और और कर्म के कर्म द्वारा के द्वारा स्वर्ग स्वर्गलोक लोग जाने जाने के की श्रवण श्रवण सुख को त्याग दो, सुख को त्याग दो। गृहस्थ गृहस्थ जीवन त्याग दो जीवन त्याग जीवन दो त्याग दो, क्योंकि क्योंकि वह विषय भोगों से वो विषय भोगों से तथा ऐसी वस्तुओं की कथाओं से पूर्ण है, तथा तथा ऐसी वस्तुओं की ऐसी कथाओं से वस्तुओं पूर्ण की है, कथाओं से पूर्ण है। तुम तुम मुक्त पुरुषों की कृपा से मुक्त मुक्त पुरुषों की कृपा पुरुषों की से कृपा भगवान से भगवान की शरण ग्रहण करो, की शरण भगवान की शरण ग्रहण ग्रहण करो। करो। इस प्रकार से इस संसार के प्रति इस इस प्रकार से प्रकार से संसार के संसार प्रति के प्रति अपनी आसक्ति का त्याग करो, अपनी आसक्ति का अपनी त्याग आसक्ति का त्याग त्याग दो। करो। हाँ, अब सीधे बोल दिया ये कर राजा को तात्पर्य माता जी। हरे कृष्ण संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य शीला प्रभुपाद के द्वारा, शीला प्रभुपाद की जय। श्री नरोत्तम दास ठाकुर अपने गीत में लिखते हैं, कर्म कांड ज्ञान कांड केवल विषेर भांड, अमृत बलिया ये शा खाए नाना योनि सदा फिरे, कदरे भक्षण करे तार जन्म अधः पाते याए। कर्म कांड तथा ज्ञान कांड विषय विष के प्यालों के तुल्य हैं, जो भी इनको अमृत समझकर पीता है उसे जन्म जन्मांतर विभिन्न प्रकार की देहों में कठिन संघर्ष करना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति सभी प्रकार के व्यर्थ पदार्थ खाता है
और तथा कथित इंद्रिय सुखे के कार्यों के कारण तिरस्कृत हो जाता है। सामान्यतः लोग सांसारिक कर्म कांड तथा ज्ञान कांड के कर्म फलों के प्रति आकृष्ट होते हैं। वे स्वर्ग लोक जाने की अभिलाषा, ब्रह्म में तदात्म्य अथवा जीव तथा जननेन्द्रियों के आनंद से मुक्त होकर पारिवारिक जीवन में ही बने रहना चाहते हैं। नारद मुनि राजा बृहस्मान को स्पष्ट उपदेश देते हैं कि वह संपूर्ण जीवन गृहस्थ आश्रम में ना व्यतीत करे। गृहस्थ आश्रम में रहने का अर्थ है अपनी पत्नी के वश में होना। मनुष्य को ये सब त्याग कर परमहंस आश्रम को जाना चाहिए, अर्थात अपने आप को गुरु के अधीन कर देना चाहिए। परमहंस आश्रम भगवान का आश्रम है, जहाँ गुरु ने शरण ले रखी है। श्रीमद् भागवत में प्रामाणिक गुरुओं के लक्षण इस प्रकार बताए गए हैं। तस्मात् गुरुं प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम शाब्दे परे च निष्णान्तम ब्रह्मणे उपशमाश्रयम्। जो व्यक्ति वास्तविक सुख प्राप्त करने का इच्छुक हो, उसे प्रामाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए और दीक्षा के द्वारा उसकी शरण ग्रहण करनी चाहिए। गुरु की योग्यता यह है कि उसे शास्त्रार्थ और विचार विषय विमर्श द्वारा अर्जित शास्त्रों के निर्णयों को ज्ञान हो और वह इन निष्कर्षों को आश्वस्त कर सके। ऐसे महापुरुष जिन्होंने सारी सांसारिकता को त्याग कर भगवान की शरण ग्रहण कर ली है, उनको प्रामाणिक गुरु मानना चाहिए। परमहंस वह है जिसने पर ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की शरण ग्रहण कर ली हो। यदि कोई ऐसे परमहंस गुरु की शरण ग्रहण करता है तो धीरे धीरे वह अभ्यास तथा उपदेश से भौतिक जीवन से विरक्त होने लगता है और अंत में भगवान के धाम को जाता है। अंगना आश्रमम असतम यूथा यूथ गाथम का विशिष्ट उल्लेख अत्यंत रोचक है। सारा संसार स्त्री के द्वारा नियंत्रित होने के कारण माया के चंगुल में है। मनुष्य न केवल अपनी स्त्री के वश में है, अपितु वह तरह तरह के संभोग साहित्य से नियंत्रित है। भौतिक जगत में फंसने का यही कारण है। मनुष्य अपने ही प्रयास से इस घृणित संगति को नहीं छोड़ पाता, किंतु यदि वह परमहंस रूप प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण कर लेता है तो वह क्रमशः आध्यात्मिक जीवन के पद को प्राप्त कर लेगा। वेदों के मोहक शब्द जो मनुष्य को स्वर्ग लोक जाने या परब्रह्म में तदाकार होने के लिए प्रेरित करते हैं, अल्पज्ञों के लिए हैं, जिन्हें भगवद गीता में माया अपृत ज्ञाना जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है कहा गया है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है भौतिक जीवन की कष्टकर अवस्था का बोध। मनुष्य को प्रामाणिक मुक्त पुरुष अर्थात गुरु की शरण ग्रहण करनी चाहिए और क्रमशः आध्यात्मिक पद तक उठना चाहिए, जिससे भौतिक जगत से विरक्त हुआ जा सके। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने के अनुसार हंस शरणम का अर्थ है वह कुटीर जिसमें साधु पुरुष रहते हैं। सामान्यतः साधु जंगल में दूर स्थान पर या साधारण कुटिया में रहता है, लेकिन हमें ध्यान रखना होगा कि समय बदल चुका है। जंगल जाकर कुटिया में रहना भले ही साधु के हित में हो, किंतु यदि कोई उपदेशक हो जाता है, विशेषकर पाश्चात्य देशों में, तो उसे अनेक तरह के लोगों को आमंत्रित करना पड़ता है जो सुखद मकानों में रहने का से अभ्यस्त होते हैं। अतः इस युग में साधु को लोगों के स्वागतार्थ समुचित प्रबंध करना और उन्हें कृष्ण चेतना संदेश के प्रति आकर्षित करना होता है। संभवतः श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने पहली बार साधु पुरुषों के रहने के लिए बड़े बड़े प्रसादों एवं मोटर कारों का प्रचलन किया, जिससे बड़े शहरों की जनता आकृष्ट हो सके। मुख्य तथ्य तो ये है कि लोगों को साधुओं की संगति करनी पड़ती है। इस युग में लोग जंगल में जाकर साधु की खोज नहीं करेंगे, उल्टे साधुओं को बड़े शहरों में आकर ऐसे लोगों से भेंट करने के लिए व्यवस्था करनी होगी जो आधुनिक भौतिक सुविधाओं से अभ्यस्त हैं। धीरे धीरे ये लोग समझ सकेंगे कि ऐसे प्रासाद या सुखद मकान तनिक भी आवश्यक नहीं है। वास्तविक आवश्यकता है कि जैसे भी हो सके कर्म बंधन से मुक्त हुआ जाए। श्री रूप गोस्वामी के आदेशानुसार
अनासक्त से विषयान यथार्हम उपयुक्त निर्बंध कृष्ण संबंधे युक्तम वैराग्य मुच्यते। जब मनुष्य अनासक्त होता है और इसके साथ ही प्रत्येक वस्तु को कृष्ण के हेतु मानने लगता है तो उसे वैराग से युक्त कहा जाता है। भक्ति रसामृत सिंधु। मनुष्य को भौतिक ऐश्वर्य में लिप्त नहीं होना चाहिए, किंतु कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए भौतिक ऐश्वर्य को अपनाया जा सकता है। दूसरे शब्दों में भौतिक ऐश्वर्य को युक्त वैराग के रूप में अर्थात विरक्ति के लिए स्वीकार किया जा सकता है। हरे कृष्ण प्रभु जी धन्यवाद। ये बड़ा अच्छा समझाया प्रभुपाद ने कि आपके पास ऐश्वर्य है तो उसका तिरस्कार करने की जरूरत नहीं है, उसका उपयोग कृष्ण भावनामृत आंदोलन को आगे बढ़ाने के लिए किया जा सकता है। जैसे साधुओं के लिए ऐश्वर्य का कोई मतलब नहीं है, ये साधु बड़ी बड़ी कारों में घूमे ये कोई मतलब नहीं, लेकिन प्रभुपाद को जब बड़ी कारों में बैठ के लोग ले जाते थे इधर उधर, प्रभुपाद ने कहा उनके लिए वो रिक्शे की तरह है, उसमें बैठे या रिक्शे में बैठे दोनों का काम एक ही है। साधु अंदर से अटैचमेंट नहीं होना चाहिए इन चीजों से, लेकिन उन चीजों का इस्तेमाल अगर भगवान की सेवा के लिए होता है, क्योंकि आप ये देखिए एक जगह से दूसरी जगह जाना पैदल चल के आपके अगर 2 घंटे लग गए, वो 2 घंटे अगर आपके बच गए 10 मिनट में हो गया पूरा, तो या 20 मिनट में हो गया, तो 1 घंटा 40 मिनट में आप भगवान की सेवा कर सकते हैं जो अदरवाइज, और आप उसमें शारीरिक परिश्रम भी है थक भी जाते हैं। तो अगर अगर कोई काम नहीं है उधर तो आपको पैदल जा सकते हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन उस काम वहां जाकर के आपको किचन में खाना बनाना है या किचन में जो काम करता है उसको मदद करना है या पानी भरना है, कोई काम करना है तो आपको कार का सहायक मदद लेनी चाहिए। ये क्योंकि ये जो आप कर रहे हैं अपने आराम के लिए नहीं, अब उसके भगवान की सेवा के लिए, तो ये प्रभुपाद ने कहा था, अपने लिखा भी है प्रभुपाद ने। तो इसमें जैसे कभी कभी ये कहा जाता था, ये तो साधु लोग कारों में घूमते हैं, कारों में घूमते हैं अवश्य, लेकिन अपने सुख के लिए नहीं, भगवान की सेवा के लिए। राजो वाचा श्रुतम अन्वेक्षितम ब्रह्मन् भगवान यद अभासत न एतद् जानन्ति उपाध्याया किम न ब्रूयुः विदुः यदि। मेरे साथ राजो वाचा, राजो वाच श्रुतम अन्वेक्षितम ब्रह्मन् ब्रह्मन् भगवान यत अभाषत भगवान यत अभाषत न एतद् जानन्ति उपाध्याय न एतद् जानन्ति उपाध्याय किम न ब्रूयुः विदुः यदि यदि। शब्दार्थ है राजा वाचा, राजा ने कहा सुतम सुना गया, अन्वीक्षितम विचार किया गया, ब्राह्मण हे ब्राह्मण भगवान अत्यंत शक्तिमान यत जो अभासत तुमने कहा, न नहीं एतत यह जानन्ति जानते हैं उपाध्याय कर्म कांड के शिक्षक किम क्यों न ब्रूयुः उन्होंने एक शिक्षा नहीं दी, विदुः हुए जानते थे यदि अगर। नारद नहीं कहता तो उसके समझ नहीं आता है। अब राजा क्या कह रहे हैं प्राचीन परिषद नारद को, राजा ने कहा मेरे साथ पढ़िए, राजा ने कहा हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण आपने जो कुछ कहा है, आपने जो कुछ कहा है मैंने अत्यंत मनोयोग से सुना है, मैंने अत्यंत मनोयोग से सुना है और सम्यक विचार के पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि जिन आचार्यों ने मुझे
आचार्यों ने मुझे कर्म कांड में प्रवृत्त किया, कर्म कांड में प्रवृत्त किया, वे इस गुह्य ज्ञान को नहीं जानते थे, वे इस गुह्य ज्ञान को नहीं जानते थे, और यदि वे इससे अवगत थे, और यदि वे इससे अवगत थे, यदि वे इससे अवगत थे, तो फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया, तो फिर उन्होंने मुझे क्यों नहीं बताया। हाँ, क्योंकि कर्मकांड वाले नहीं, इसको जानते भी नहीं है, हो सकता है। ये कह रहे हैं राजा प्राचीन परिषद। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्णा सुषमा बत्रा माता जी। हरे कृष्णा माता जी, प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम, हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद जी की जय। प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य, वास्तव में समाज में समाज के तथा कथित शिक्षक या अग्रणी लोग जीवन के उद्देश्य को ठीक से नहीं जानते। ऐसे लोगों को भगवत गीता में माया यप्रहित ज्ञाना कहा गया है। वे अत्यंत विद्वान प्रतीत होते हैं, किंतु माया के प्रभाव से उनका ज्ञान हर लिया गया होता है। वास्तविक ज्ञान का अर्थ है कृष्ण की खोज। वेदेश सर्वे रहमेव वेद्यः, सारा ज्ञान श्री कृष्ण की खोज करने के निमित्त है, क्योंकि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के मूल हैं। जन्माधत से यतः भगवत गीता 10.2 में कृष्ण कहते हैं, अहम अर्ध ही देवानाम, मैं समस्त देवों का स्रोत हूँ। इस प्रकार श्री कृष्ण समस्त देवताओं के, जिनमें ब्रह्मा शिव इत्यादि सम्मिलित हैं, मूल तथा आदि स्रोत हैं। वैदिक अनुष्ठान विभिन्न देवताओं को प्रसन्न करने के लिए हैं, किंतु जब तक कोई प्रगतिमान विद्वान नहीं होता, वह ये नहीं समझ पाता कि श्री कृष्ण ही आदि पुरुष हैं। गोविंदम आदि पुरुषम तम अहम भजामि, नारद के उपदेशों को सुनकर राजा को चेत हुआ, जीवन का वास्तविक उद्देश्य भगवान के भगवान की भक्ति प्राप्त करना है। अतः राजा ने तथा कथित पुरोहितों आदि पुरोहिती आदेशों को देने का को नकार देने का निश्चय किया, क्योंकि उनमें जीवन के उद्देश्य के विषय में कोई शिक्षा न दी जाकर अनुयायियों को केवल अनुष्ठानों में लगाए रखा जाता है। श्री कृष्ण मत जी, शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गया। नेट का चल रहा है उनका प्रॉब्लम। आज जीवन उद्देश्य में अब केवल अनुष्ठानों में मैं लगाए रखा जा सकता। श्री कृष्ण माता जी, माता जी माइक को आगे करें। तो मूर्ख पुरोहित अपने अनुयायियों को ज्ञान प्रदान नहीं कर पाते। जीवन उद्देश्य से अपरिचित रहने के कारण वे भक्तों को अंधकार में रखते हैं। फलतः जो सचमुच शिक्षित हैं, वे अनुष्ठानों के प्रति अरुचि रखने लगे हैं, किंतु साथ ही उन्हें इससे कुछ ज्ञान प्राप्त नहीं होता हो पाता। अतः समस्त वर्गों के लोगों को जागरूक करने के लिए ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। महाराज परिश्रमन के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि कृष्ण भावनामृत आंदोलन का लाभ उठाए और अनेक धर्मों में होने वाले रूढ़िगत अनुष्ठानों का परित्याग करें। गोस्वामी लोग प्रारंभ से ही उन पुरोहितों से भिन्न थे जो केवल अनुष्ठानों में लगे रहते थे। दरअसल श्री सनातन गोस्वामी ने ही वैष्णवों के मार्गदर्शन के लिए हरि भक्ति विलास का संग्रह किया। वैष्णव लोग पुरोहितों के निर्जीव कार्यों की परवाह न करके पूर्णतः कृष्ण भक्ति करते हैं और इसी जीवन में पूर्ण बनते हैं। इसका वर्णन पिछले श्लोक में परमहंस शरणम अर्थात परमहंस की शरण लेने और इस जीवन को सफल बनाने के रूप में हुआ है। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, धन्यवाद माता, धन्यवाद। आपको तकलीफ हुई पढ़ने में? हरे कृष्ण। संशयो अत्र तुमे विप्र संचिन्नः तत्कृतो महान्
ऋषयो अपि ही मुह्यन्ति यत्र न इंद्रिय वृत्तयः। मेरे साथ संशयो अत्र तु मे विप्रा, संचिन्नः तत्कृतो महान्, संचिन्नः तत्कृतो महान्। ऋषयो अपि ही मुह्यन्ति यत्र न इंद्रिय वृत्तयः, यत्र न इंद्रिय वृत्तयः। शब्दार्थ है संशय, संदेह। अत्र यहाँ तू, लेकिन मैं, मेरा विप्र, हे ब्राह्मण, संचिन्न, काट दिया, दूर कर दिया, किसने? आपने। तत्कृतः, उससे किया गया महान, महान। ऋषि है ऋषिगण अपि भी ही निश्चय ही मुह्यंत, मोहग्रस्त हो जाते हैं, तत्र जहाँ ना नहीं इंद्र इंद्रियों का नित्य कार्य कार्यकलाप। हे ब्राह्मण, हे नारद को कह रहे हैं, आपके आदेशों तथा मुझे कर्मकांड में प्रमत्त करने वाले, मेरे साथ पढ़िए, हे ब्राह्मण, हे ब्राह्मण, आपके आदेशों तथा आपके आदेशों तथा मुझे कर्मकांड में प्रवृत्त करने वाले, मुझे पवित्र करने वाले मेरे गुरुओं के उपदेशों में, मेरे गुरु के उपदेशों में विरोधाभास जान पड़ता है, विरोधाभास जान पड़ता है, जो आप कह रहे हैं, जो उन्होंने मुझे पढ़ाया उसमें विरोधाभास है। मैं अब भक्ति ज्ञान तथा वैराग्य के अंतर को समझ सकता हूँ, मुझे पहले इनके विषय में कुछ संशय थे, किंतु आपने कृपा करके इन संशयों को मिटा दिया है, अब मैं समझ सकता हूँ कि बड़े बड़े ऋषि भी जीवन के वास्तविक उद्देश्य के विषय में कैसे मोहग्रस्त होते हैं, निसंदेह इंद्र तृप्ति का कोई सवाल ही नहीं उठता, अप्राचीन बरियत सत समझ गए। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्ण, अलका पंसल माता जी, हरे कृष्ण, सभी को प्रणाम। तात्पर्य शिल प्रभुपाद जी के द्वारा, शिल प्रभुपाद जी की जय। राजा बहिष्मान स्वर्ग प्राप्ति के लिए तरह तरह के यज्ञ संपन्न कर रहा था। लोग सामान्यतः ऐसे कृत्यों के प्रति आकृष्ट होते हैं और विरले ही भक्ति के प्रति कोई आकृष्ट होता है। जैसा चैतन्य महाप्रभु ने पुष्टि की है, परम भाग्यशाली व्यक्ति ही भक्ति में लगता है। जहाँ तक कि तथाकथित वेद विद्वान भी भक्ति के विषय में मोहग्रस्त होते हैं। वे इंद्रिय तृप्ति के लिए सामान्य रूप से अनुष्ठानों के प्रति आकृष्ट होते हैं। भक्ति में इंद्रिय तृप्ति कहाँ, वहाँ तो केवल भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति होती है। अतः इंद्रिय तृप्ति में तत्त्व तथाकथित पुरोहित भक्ति को पसंद नहीं करते। जब से भगवान चैतन्य महाप्रभु ने इस कृष्ण भावनामृत आंदोलन को प्रारंभ किया, तभी से ब्राह्मण अथवा पुरोहित इसके विरुद्ध रहे हैं। जब चैतन्य महाप्रभु ने इस आंदोलन का प्रारंभ किया, उन्होंने इस्लामी सरकार के न्यायाधीश काजी से शिकायतें की। फलतः चैतन्य महाप्रभु को तथाकथित वेदवादियों के इस प्रकार के विरुद्ध अवज्ञा आंदोलन चलाना पड़ा। ये लोग कर्म चर स्मार्ट कहे गए हैं, जिसका अर्थ है अनुष्ठानों में संलग्न पुरोहितगण। यहाँ कहा गया है कि ऐसे लोग मोहग्रस्त हो जाते हैं, ऋषियों अपि ही मुह्यन्ति। ऐसे कर्म जर स्मार्टों से बचने के लिए मनुष्य को भगवान के आदेशों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। समस्त प्रकार के धर्म का परित्याग करो, मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें समस्त पापों से उबार लूंगा, डरो नहीं। भगवत गीता 18.66। हरे कृष्णा। ये बात है, ये बात है। अभी अभी भी
अगर आप भक्ति में लगते हैं, कर्म कांडी आपसे खुश नहीं रहते, क्योंकि कर्म कांडियों का बिजनेस बंद हो जाता है अगर सभी लोग भक्ति करें तो। फिर भी भक्ति करने वाले बहुत कम लोग हैं, क्योंकि यहाँ त्याग की जरूरत है, और जो कर्मकांडी हैं वहाँ ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये भी मेरा, ये वाला, दोनों में बहुत फर्क है। इसलिए राजा प्रजिन परिषद अब समझ गए, कर्माणि आ कर्मान्य है, अगर इसको पढ़ना है कर्माणि पढ़ेंगे तो वो आरभते हो जाएगा। बहुत जगह ऐसा आता है, पहले एक श्लोक में आया था, आपसे पढ़ते हुए आपसे दिक्कत हुई आपको, इसका ध्यान रखिएगा, कर्माणि कर्मान्य है, कर्माणि पढ़ना है, आरभते हो जाएगा। कर्माणि आरभते ये न पुमान इह विहायतम अमुत्र अन्येन देहेन जुष्टानि स यद अश्नुते। मेरे साथ पढ़िए, कर्माणि आरभते ये न कर्माणि आरभते पुमान इह विहायतम अमुत्र अन्येन देहेन जुष्टानि स यद अश्नुते। कर्माणि सकाम कर्म आरभते, करना प्रारंभ करता है, ये जिससे पुमान जीव यह इस जीवन में विहाय त्याग कर तम उस अमूत्र अगले जीवन में, याद रखना ये शब्द अमूत्र अगले जीवन, अनेन दूसरे देहेन शरीर के द्वारा जुष्टानि परिणाम सह वह यत जो अश्नुते भोगता है, अश्नु खाना भी होता है मतलब भोगना एक ही बात। मेरे साथ पढ़िए, इस जीवन में जीव, इस जीवन जीव जो कुछ भी करता है, जो कुछ भी करता है, उसका फल वह, उसका फल वह अगले जीवन में भोगता है, अगले जीवन में भोगता है। हाँ, आप प्रश्न ये उठता है यहाँ क्यों नहीं भोगता है, यहाँ भी भोग सकता है अगर उसके क्यू में नहीं है, लाइन में लगे हैं हमारे कर्म फल, अगर यहाँ नहीं है उसके कर्म फल पुराने नहीं है ज्यादा, यहाँ के भी जल्दी आ सकते हैं, नहीं तो दूसरे जन्म में। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका लेटेंट पीरियड लंबा होता है, इफेक्ट बाद में आता है। तात्पर्य माता जी, हरे कृष्णा रीटा पंडित माता जी, हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, श्रील प्रभुपाद की जय। तत्पल श्री प्रभुपाद द्वारा मनुष्य प्रायः यह नहीं जानता कि एक शरीर दूसरे से किस प्रकार संबंध रहता है, या कैसे संभव है कि इस जीवन में किए गए कर्मों का फल वह अगले जीवन में प्राप्त होने वाले शरीर में भोगे। राजा नारद मुनि से इसी प्रश्न का उत्तर चाह रहा है, या कैसे संभव है कि इस जीवन में जिससे मनुष्य शरीर प्राप्त है वह उसे अगले जीवन में मनुष्य शरीर प्राप्त नहीं होता। यहाँ तक कि बड़े बड़े वैज्ञानिक या दार्शनिक भी एक शरीर से दूसरे शरीर में कर्मों के अंतरण को नहीं समझ पाते। जैसा हम अनुभव करते हैं, प्रत्येक आत्मा के एक अलग शरीर होता है, और प्रत्येक व्यक्ति के कर्म या प्रत्येक शरीर के कर्मों को दूसरे शरीर या व्यक्ति द्वारा नहीं भोगना होता। प्रश्न यह है कि एक शरीर के कर्म अगले जन्म में किस प्रकार भोगे जाते हैं। हरे कृष्णा। बहुत तो प्रश्न बहुत अच्छा है। ये शरीर मेरा, ये पापी शरीर इतने पाप कर चुका है यहाँ, तो इस शरीर को यातना मिलनी चाहिए, क्योंकि जब हम मरने के बाद जब दूसरा शरीर में जाते हैं, कौन ले जाता है? सूक्ष्म शरीर। सूक्ष्म शरीर ही आत्मा को ले जाता है और उस शरीर को भोगना पड़ता है, नया शरीर है। प्रश्न यह है कि ये शरीर, कोई बात नहीं है, यातना आपको भुगतनी है, वहां भुगतो यहाँ भुगतो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इति वेद विदाम वादः श्रूयते तत्र तत्र कर्म यत क्रियते प्रोक्तम
परोक्षम न प्रकाशते। मेरे साथ इति वेद विदाम वादः, इति वेद विदाम वादः, श्रूयते तत्र तत्र, श्रूयते तत्र तत्र, कर्म यत् क्रियते प्रोक्तम्, कर्म यत् क्रियते प्रोक्तम्, परोक्षम न प्रकाशते, परोक्षम न प्रकाशते। शब्दार्थ है इति, इस प्रकार वेद विदाम वेदों के ज्ञाता, वाद कथन, श्रूयते सुना जाता है, तत्र तत्र जगह जगह जहां तहां, निश्चय ही कर्म कर्म यत जो क्रियते किया जाता है, प्रोक्तम जैसा कहा जा चुका है, परोक्षम अज्ञात न प्रकाशते प्रत्यक्ष प्रकट नहीं हो पाता। वेदवादियों का कथन है कि वेदवादियों का कथन है कि मनुष्य अपने पूर्व जन्म के कर्म का भोग करता है, मनुष्य अपने पूर्व कर्मों के फल का भोग करता है, किंतु व्यावहारिक रूप से यह देखा जाता है कि किंतु व्यावहारिक रूप में यह देखा जाता है कि पिछले जन्म में जिस शरीर ने कर्म किया, पिछले जन्म में जिस शरीर ने कर्म किया था किया था वह तो नष्ट हो चुका है, वो तो नष्ट हो चुका है, तो नष्ट हो चुका होता है, अतः उस कर्म का भोग, अतः उस कर्म का भोग एक भिन्न शरीर द्वारा किस प्रकार संभव है, एक भिन्न शरीर द्वारा किस प्रकार संभव है। हाँ यही मैं कह रहा था, गलत गलत इसने किया और उसको उसका भोग कोई और कर रहा है, ये कैसे संभव है, प्रश्न है, इसका प्रभुपाद समझाएंगे तात्पर्य। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, श्री प्रभुपाद की जय। नास्तिक लोग पूर्व कर्मों के फलों का साक्ष्य चाहते हैं, अतः वे प्रश्न करते हैं इसका प्रमाण कहाँ है कि मैं विगत कर्मों के कर्म के फलों को भोग रहा हूँ। उन्हें इसका ज्ञान नहीं है कि किस तरह सूक्ष्म शरीर वर्तमान शरीर के कर्म फलों को अगले स्थूल शरीर तक पहुंचाता है। भले ही वर्तमान स्थूल शरीर नष्ट हो जाए, किंतु सूक्ष्म शरीर नष्ट नहीं होता, ये आत्मा को दूसरे शरीर तक ले जाता है। वस्तुतः स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर पर निर्भर रहता है, अतः अगला स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर के अनुसार सुख तथा दुख उठाता है। आत्मा तब तक सूक्ष्म शरीर द्वारा ले जाया जाता रहता है जब तक वो स्थूल भौतिक बंधन से मुक्त नहीं हो जाता। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण, हरे कृष्ण प्रभु। ये सूक्ष्म शरीर ले जाता है, कहता तो ये शरीर भुगतेगा। नारदा वाचा येन एव आरभते कर्म तेन एव अमुत्र तत्पुमान भुंते ही अव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। मेरे साथ नारदा वाचा, नारदा वाचा येन एव आरभते कर्म तेन एव अमुत्र तत्पुमान भुंक्ते ही अव्यवधानेन लिंगेन मनसा स्वयं। शब्दार्थ, नारद वाच, नारद ने कहा येन जिसके द्वारा एव निश्चय ही आरभते प्रारंभ करता है कर्म सकाम कर्म तेन उसी शरीर से एव निश्चय ही अमुत्र अगले जन जीवन में तत् वह पुमान जीव भुंते भोग करता है ही, क्योंकि अव्यवधाने न किसी परिवर्तन के बिना लिंगे न सूक्ष्म शरीर से मनसा मन से स्वयं स्वयं खुद। नारद मेरे साथ पढ़े, नारद मुनि ने आगे कहा, नारद मुनि ने आगे कहा इस जीवन में, इस जीवन में जीव स्थूल शरीर में कर्म करता है, जीव स्थूल शरीर में कर्म करता है, यह शरीर मन बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित
ये शरीर मन बुद्धि तथा अहंकार से निर्मित शरीर द्वारा सूक्ष्म शरीर द्वारा कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है, कार्य करने के लिए बाध्य किया जाता है। इस स्थूल शरीर के विनष्ट होने पर भी सूक्ष्म शरीर फल भोगने या कष्ट उठाने के लिए बना रहता है, अतः इससे कोई परिवर्तन नहीं होता। हाँ, क्योंकि सूक्ष्म शरीर वही है, वही ले जाता आपको दूसरे शरीर में। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रीता कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सभी को। श्रीला प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा, जीव के दो प्रकार के शरीर होते हैं, सूक्ष्म तथा स्थूल। वास्तव में वह सूक्ष्म शरीर के द्वारा भोग करता है जो मन बुद्धि तथा अहंकार से बना है। स्थूल शरीर कारण स्वरूप बाहरे आवरण है। जब यह स्थूल शरीर नहीं रहता या मर जाता है तो स्थूल शरीर का मूल यानी मन बुद्धि तथा अहंकार बना रहता है और दूसरा स्थूल शरीर ग्रहण कर लेता है। यद्यपि स्थूल शरीर ऊपर से बदलते हैं किंतु स्थूल शरीर का असली मूल मन बुद्धि तथा अहंकार का सूक्ष्म शरीर सदैव बना रहता है। सूक्ष्म शरीर के कार्य चाहे वे पुण्य हो या पाप अन्य परिस्थिति उत्पन्न करते हैं जिसमें जीव अगले स्थूल शरीर में सुख या दुख उठाता है। इस प्रकार सूक्ष्म शरीर बना रहता है जबकि स्थूल शरीर एक के बाद एक एक करके बदलता रहता है। चूंकि आधुनिक वैज्ञानिक तथा दार्शनिक अत्यधिक भौतिकतावादी हैं और मायावश उनका ज्ञान हर लिया गया है, अतः वे ये नहीं बता पाते कि स्थूल शरीर किस तरह बदलता है। भौतिकतावादी चिंतक डार्विन ने स्थूल शरीर में होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करने का प्रयत्न किया है किंतु सूक्ष्म शरीर या आत्मा का ज्ञान ना होने से वह स्पष्ट नहीं कर सका कि विकास क्रिया किस प्रकार अग्रसर होती है। मनुष्य का स्थूल शरीर बदलता रहता है किंतु वह सूक्ष्म शरीर से कार्य करता रहता है। लोग सूक्ष्म शरीर के कार्यों को नहीं समझ पाते, अतः वह मोहग्रस्त रहते हैं कि एक स्थूल शरीर के कार्य दूसरे स्थूल शरीर को किस प्रकार प्रभावित करते हैं। सूक्ष्म शरीर के कार्य भी परमात्मा द्वारा नियोजित होते हैं, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता 15.15 में भी बताया गया है, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टः मत्त स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च। मैं सबों के हृदय में स्थित हूँ और मुझे से स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति उत्पन्न होते हैं। चूंकि परमात्मा रूप में परमेश्वर सदैव प्रत्येक जीवात्मा का मार्गदर्शन करता है, अतः जीवात्मा को पता रहता है कि पूर्व कर्मों के अनुसार किस प्रकार की कार्य किया जाए। दूसरे शब्दों में परमात्मा उसे स्मरण दिलाता है कि इस प्रकार से कैसे कार्य किया जाए। अतः यद्यपि ऊपर से स्थूल शरीर में परिवर्तन जान पड़ता है किंतु जीवात्मा के जीवनों के बीच सातत्य रहता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। धन्यवाद माता जी। क्यों? क्योंकि आपका सूक्ष्म शरीर वही है जो यहाँ था, वही है। उसको पता है क्या क्या गड़बड़ किया है, वो उसको सहने के लिए तैयार रहता है। शयानम इमम उत्सृज्य स्वसंतम पुरुषो यथा कर्मा मन्य हितम भुंगते। नहीं सॉरी, कर्म आत्मनि अहितम भुंगते, कर्म आत्मनि आहितम भुंगते तादृशेन एतरेण वा इतरेण वा तादृशेन इतरेण वा। मेरे साथ शयानम इमम उत्सृज्य स्वसंतम पुरुषो यथा कर्म आत्मनि अहितम भुंगते
तादृशेन इतरेण वा शब्दार्थ है शयन बिस्तर पर लेटे हुए इमम यह शरीर उत्सृज्य त्याग कर स्वसंतम श्वास लेता हुआ पुरुष जीव यथा जिस प्रकार कर्म कार्य आत्मनि मन में आहित संपन्न हुआ भूंगते भोगता है तादृशेन वैसे ही शरीर से इतरेण भिन्न शरीर से वा अथवा मेरे साथ स्वप्न देखते समय जीव अपने वास्तविक शरीर को त्याग देता है और अपने मन तथा बुद्धि के कार्यों से वह दूसरे शरीर में तथा देवता या कुत्ते के शरीर में प्रवेश करता है हाँ आपको पता ही नहीं रहता आप ना दूसरा आदमी बन के भी जाते हैं कभी सपने में इस स्थूल शरीर को त्याग कर इस स्थूल शरीर को त्याग कर जीव इस लोक में जीव इस लोक में अथवा अन्य लोक में अथवा अन्य लोक में किसी पशु या देवता के शरीर में प्रवेश करता है किसी पशु या देवता के शरीर में प्रवेश करता है इस प्रकार वह अपने पिछले जीवन के कर्म फलों को भोगता है तात्पर्य हरे कृष्ण कामिनी अग्रवाल माता जी हरे कृष्ण माता जी हरे कृष्ण प्रभु जी तात्पर्य शील प्रभुपाद जी के द्वारा शील प्रभुपाद जी की जय। यद्यपि मन बुद्धि तथा अहंकार सुख तथा दुख के मूल कारण है तो भी भोगने के लिए निमित्त अर्थात कारण स्वरूप स्थूल शरीर की आवश्यकता पड़ती है। स्थूल शरीर भले बदलता रहे किंतु सूक्ष्म शरीर सक्रिय बना रहता है। जब तक जीव को अन्य स्थूल शरीर नहीं प्राप्त हो जाता वह सूक्ष्म शरीर या भूत प्रेत के शरीर में बना रहता है। स्थूल शरीर के बिना ही जब सूक्ष्म शरीर कार्य करता है तब जीव भूत या प्रेत बन जाता है। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है शयानिमम उत्सृज्य श्वसंतम स्थूल शरीर बिस्तर पर लेटकर आराम कर सकता है और स्थूल शरीर रूपी यंत्र के कार्य करते रहने पर भी जीव स्थूल शरीर को छोड़कर स्वप्न में चला जाता है और फिर उसी में लौट आता है। जब वो शरीर में लौट आता है तो स्वप्न को भूल जाता है। इसी प्रकार जब जीव अन्य स्थूल शरीर धारण करता है तो वो अपने वर्तमान स्थूल शरीर को भूल जाता है। निष्कर्ष ये है कि मन बुद्धि तथा अहंकार से निश्चित सूक्ष्म शरीर आकांक्षाओं का वातावरण उत्पन्न कर लेता है जिसे सूक्ष्म शरीर में ही भोगता है। वास्तव में जीव तो सूक्ष्म शरीर में ही रहता है भले ही स्थूल शरीर बदलता रहे और जीव विभिन्न लोकों में शरीरों में निवास करे। सूक्ष्म शरीर में जीव द्वारा संपन्न सारे कार्य मोहपूर्ण कहलाते हैं क्योंकि वे स्थायी नहीं होते। मोक्ष का अर्थ है सूक्ष्म देह के चंगुल से बाहर निकलना जबकि स्थूल शरीर से मोक्ष का अर्थ है एक स्थूल शरीर से दूसरे में आत्मा का देहांतरण। जब मन को कृष्ण चेतना की शिक्षा मिलती है तो मनुष्य या तो स्वर्ग लोक या बैकुंठ लोकों को जाता है। अतः मनुष्य को शिष्य परंपरा द्वारा भगवान से प्रेरित वैदिक आदेशों से प्राप्त ज्ञान के अनुशीलन से अपनी चेतना बदलनी होती है। यदि हम इस जीवन में सूक्ष्म शरीर को कृष्ण विषय चिंतन का प्रशिक्षण देते हैं तो इस स्थूल शरीर को छोड़ने पर हम कृष्ण लोक को जाएंगे। इसकी पुष्टि स्वयं भगवान ने भगवद गीता में की है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। हे अर्जुन
जो व्यक्ति मेरे प्राकट्य तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति से अवगत है, वो इस शरीर को त्यागने के पश्चात इस संसार में जन्म नहीं लेता, बल्कि मेरे शाश्वत धाम को प्राप्त होता है। इस प्रकार स्थूल शरीर का परिवर्तन उतना महत्वपूर्ण नहीं जितना कि सूक्ष्म शरीर का। कृष्ण भावनामृत आंदोलन लोगों में सूक्ष्म शरीर को प्रकाशित करने की शिक्षा प्रदान करता है। इस प्रसंग में आदर्श उदाहरण अम्बरीश महाराज का है, जिन्होंने अपने मन को सदैव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों में लगाए रखा। सवै मनः कृष्णा पदारविंदयो। इस जीवन में हमें अर्चा विग्रह रूप से उपस्थित श्री कृष्ण के चरण कमलों में अपने मन को निरंतर स्थिर रखना चाहिए। हमें उनकी पूजा भी करनी चाहिए। यदि हम अपनी वाणी को भगवान के गुणगान में और कानों को उनकी लीलाओं के श्रवण करने में लगाए रखें और यम नियमों के द्वारा मन को कृष्ण चेतना अग्रसर करने के लिए अक्षत रखें, तो निश्चय ही हम आध्यात्मिक पद को प्राप्त कर सकेंगे। तब मृत्यु के समय मन, बुद्धि तथा अहंकार भौतिक रूप में दूषित नहीं होंगे। जीव के साथ मन, बुद्धि तथा अहंकार भी उपस्थित रहते हैं। जब मन, बुद्धि तथा अहंकार शुद्ध हो जाते हैं, तो जीव की सारी कर्मेंद्रियां आध्यात्मिक बन जाती हैं। इस तरह जीव सच्चिदानंद रूप प्राप्त कर लेता है। परमेश्वर तो सदैव सच्चिदानंद रूप है, किंतु जीव भगवान का अंश होकर भी सुखोपभोग की इच्छा से इस संसार में आकर भौतिक रूप से दूषित हो जाता है। भगवान ने स्वयं भगवत गीता के में अपने धाम लौटने का नुस्खा बतलाया है। मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्ते मामे वैश्यसि उक्तव्यै व आत्मानं मत्परायणः। सदैव मेरा चिंतन करो और मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस तरह मुझी में पूर्ण रूप से मगन रहने पर तुम मेरे पास आ सकोगे। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद। ये प्रभुपाद ने समझाया, सपना देखते हैं हम इस शरीर से छोड़ करके, हमारे मन, बुद्धि, अहंकार दूसरे शरीर में चले जाते हैं। आप बहुत सारे काम करते हैं, कभी आप फिर बहुत फंस भी जाते हैं, परेशानी में पड़ते हैं, छटपटाते हैं, नींद खुल जाती, बड़े खुश होते हैं। तो आप उस जगह से ऐसा समझाए, तो ये सब समझने का जो नारद ने कहा है, उसका हमको अभ्यास करना चाहिए कृष्ण भावनामृत में। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, राम। ये इसका अभ्यास रहे, खाली टाइम पर कहीं है आपको एकदम मंत्र याद आता है वो शुरू कर दीजिए। इससे करते करते हमारे भौतिक चीजों से लगाव खत्म, भगवान की तरह लगाव बढ़ना चाहिए, ये बता रहे प्रभुपाद। मम एते मनसा यद यद असाव असाव, हाँ ठीक है। मन एते मनसा यद यद असौ अहम इति ब्रुवन गृहीण या तत् उमान राधम कर्म एन पुनर्भवः। मेरे साथ पढ़िए, मम एते मनसा यद यद असौ असौ इति ब्रुवन् असौ इति ब्रुवन् गृहिण्यात् तत् पुमान् राधम् कर्मयेन पुनर्भवः। शब्दार्थ, मम मेरा एते ये सब मनसा मन से यत यत जो जो असौ वह अहम मैं इति इस प्रकार ब्रुवन स्वीकार करते हुए
गृहिण याद अपने ऊपर ले लेता है तत् वह पुमान जीव राधम पूर्ण कर्म कर्म येन जिससे पुनः फिर भव संसार। मेरे साथ पढ़े, जीव इस देहात में बुद्धि के अंतर्गत कार्य करता है कि मैं यह हूँ, मैं वह हूँ, यह मेरा कर्तव्य है अतः मैं इसे करूंगा, ये मेरा कर्तव्य है अतः मैं इसे करूंगा। ये सब मानसिक संस्कार है, ये सब मानसिक संस्कार है और ये सारे कर्म अस्थाई हैं और ये सारे कर्म अस्थाई हैं। फिर भी भगवान के अनुग्रह से जीव को अपने समस्त मनोरथ पूरे करने का अवसर प्राप्त होता है, मनोरथ पूरे करने का अवसर प्राप्त होता है, इसलिए उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है, इसलिए उसे दूसरा शरीर प्राप्त होता है। तात्पर्य हरे कृष्णा सरिता तनपुरी माता जी। हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जब मनुष्य देहात्म बुद्धि में लीन रहता है तब तक उसके सारे कार्य उसी स्तर पर संपन्न होते हैं, इसे समझना कठिन नहीं है। संसार में हम देख रहे हैं कि प्रत्येक राष्ट्र अन्य राष्ट्र को पिछाड़ देना चाह रहा है और प्रत्येक व्यक्ति अपने संगी व्यक्ति से आगे बढ़ जाना चाहता है। ये सारे कार्य सभ्यता की प्रगति के नाम पर चल रहे हैं। शरीर को सुखी बनाने के लिए अनेक योजनाएं हैं जो स्थूल शरीर के नष्ट होने पर सूक्ष्म शरीर तक पहुंचती है। यह तथ्य नहीं है कि स्थूल शरीर के नष्ट हो जाने पर जीव भी नष्ट हो जाता है। यद्यपि अनेक महान दार्शनिकों तथा शिक्षकों की यह मान्यता है कि शरीर नष्ट हो जाने पर सब कुछ नष्ट हो जाता है, किंतु यह सच तथ्य नहीं है। इस श्लोक में नारद मुनि का कथन है कि मृत्यु आने पर मनुष्य अपनी योजनाएं अपने साथ ले जाता है और इन योजनाओं को संपन्न करने के लिए दूसरा शरीर प्राप्त होता है, यही पुनर्भव कहलाता है। जब स्थूल शरीर नष्ट हो जाता है तो जीव की सारी योजनाएं मन द्वारा ग्रहण की कर ली जाती है और भव अनुग्रह से जीव को अलग जीवन जीवन में इन योजनाओं को स्वीकार करने का अवसर प्राप्त होता है। यह कर्म का विधान कहलाता है। जब तक मन कर्म विधान में लिप्त रहता है उसे अगले जीवन में एक विशेष प्रकार का शरीर धारण करना पड़ता है। इस शरीर को सुखी या दुखी बनाने के लिए किए गए कार्यों का समुच्चय कर्म है। हमने सचमुच यह देखा है कि जब एक सज्जन मरने वाले थे तो उन्होंने अपने डॉक्टर से कहा कि उन्हें 4 वर्षों तक और जीवित रहने का अवसर प्रदान करे जिससे वह अपनी योजनाएं पूरी कर सके। इसका अर्थ यह हुआ कि वह सज्जन मरते समय अपनी योजनाओं के विषय में सोच रहे थे। अपनी मृत्यु के बाद वह व्यक्ति अपनी योजनाएं अपने सूक्ष्म शरीर द्वारा जो मन बुद्धि तथा अहंकार से बना है अपने साथ लेता गया। इस प्रकार परमात्मा के अनुग्रह से जो हमारे हृदय में सदैव विद्यमान है उसे दूसरा अवसर प्राप्त होगा। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मत्तम स्मृति ज्ञानम अपोहनम च। अगले जन्म में उसे परमात्मा से स्मृति प्राप्त होती है और वो विगत जीवन की योजनाएं को संपन्न करने में लगाता है। भगवद गीता के एक अन्य श्लोक 18.61 में भी इसकी व्याख्या की गई है। ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति ब्राह्मयन् सर्वभूतानि यात्रान् रूढानि मायया। हे अर्जुन, परमेश्वर सबों के हृदय में स्थित है और उन समस्त जीवों को जो मानो माया से निर्मित यंत्र पर आरूढ़ है घूमने का निर्देशन कर रही है। प्रकृति द्वारा प्रदत्त वाहन पर आसीन तथा अंतकरण से परमात्मा द्वारा याद दिलाए जाने पर यह जीव अपनी योजनाएं पूर्ति के लिए ब्रह्मांड भर में यह सोचते हुए संघर्ष करता है कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं अमेरिकी हूँ,
मैं भारतीय इत्यादि सारी उपाधियां एक जैसी है। एक अमेरिकी अमेरिकी की अपेक्षा एक ब्राह्मण होने या निग्रो की अपेक्षा एक अमेरिकी बनने में कोई लाभ नहीं है। असल में तो यह सब प्रकृति के गुणों के अंतर्गत देहात्म बुद्धि है। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद माता जी, सच्चा प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानोदयं शलाकया चक्षुरुन्मीलनेन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः विष्णुपादाय कृष्णप्रष्टाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वतीदेवे गौरवाणीचारिणे निर्विशेषशून्यवादि पाश्चाद्वेषतारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवा सादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा।